तो दोस्तों अभी आपके सामने है 7 सीटर 2 रैम जो कि मारुति की ओर से आती है 7 सीटर। एज अ कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा लोग जो है इसे लेते हैं, टूर एम करके आती है, वही समझ लीजिए अर्टिगा, जो कि एज अ टूर एम से कॉमर्शियली जो है जो यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर आती है। सेम टू सेम VXI AC है, जो फीचर्स आपको VXI मिलेंगे वही फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और पेट्रोल में ये 2 रैम जो है 9,46,000 रुपये का आता है, वहीं अगर आप CNG में लेना चाहते हैं 2 रैम को तो आपको 95,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब 2 रैम में आपको जो है क्या क्या मिल रहा है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पर 2 रैम एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 2 रैम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये CNG वाला नहीं है, ये नॉर्मल जो है आपको पेट्रोल वाला मिलेगा। बस CNG में क्या है, CNG पीछे टैंक एड ऑन हो जाता है और CNG के कुछ फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। ये वाला खड़ा है CNG 2 रैम में। बाकी आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ क्या क्या मिलता है। फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलती, ऐसा एसेसरी में जो है इसमें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ पार्ट जो है ऐसा एसेसरी में ऐड ऑन हुए हैं, क्या क्या है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले फॉग लैंप्स ऐड ऑन हुई हैं, ये नहीं आती है 2 रैम में, जैसे कि VXI में नहीं आती वैसी 2 रैम में भी नहीं आती हैं। और यहाँ पर जो हेडलाइट हैं हेलोजन यहाँ पर मिलेंगी लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए यहाँ पर हेलोजन रहती है। DRS कुछ नहीं मिलते इसमें, हेलोजन ही लाइटिंग सेटअप रहता है। नई ग्रिल आपने देख लिया विंग शेप की, अब ऐसी कुछ रहती है नई अर्टिगा में, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से, जो कि अब चेंज जो है मेजर इसमें ही किया गया है नई अर्टिगा में, जो कि फ्रंट में आपको जो है सुजुकी का लोगो मिलेगा। तो साइड से अगर आप देखें तो साइड में आपको R15 के स्टील रिम मिलते हैं ब्लैक कलर के, जो कि इस तरीके से रहते हैं। व्हील कैप के साथ में जो है इसकी जो प्रोफाइल है 185/65 R15 की रहने वाली है। साथ में आपको साइड में मोल्डिंग व्हील आपको लगी हुई देखने को मिलेगी, साइड मोल्डिंग, ये भी एसेसरी का पार्ट है। बाकी आपको बॉडी कलर ORPMs, इस पर टर्न इंडिकेटर और साथ ही साथ डोर वाइज़र, ये भी एसेसरी का पार्ट है। तो फॉग लैंप्स लगी हैं एसेसरी में, ये आपको जो है साइड में डोर वाइज़र और साइड मोल्डिंग, ये एसेसरी का पार्ट, ये सारा कुछ लगा हुआ है इसमें। बाकी पीछे अगर आप चलते हैं तो पीछे आपको जो है यहाँ पर टेल लैंप ऐसा इस तरीके की मिलती हैं 3D में, इस तरीके की LED टाइप में, जो कि आप देख चुके हैं। और साथ ही साथ पहले भी ऐसी आती थी, डिफॉगर वाइपर कुछ नहीं मिलता इसमें। पीछे आपको जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है इसमें। बाकी अगर आपको रियर से दिखाऊं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, 2 रैम यहाँ पे लिखा हुआ। और बूट स्पेस चेक करें तो बूट स्पेस यहाँ पे रहता है 209 लीटर के आसपास। अब यहाँ पे CNG टैंक नहीं आता तो वो बॉक्सा आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। बाकी नीचे आप रख सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे स्पेस ही स्पेस आपको मिलेगा, इसके नीचे रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं, सीटों की आप रिक्लाइन पोजीशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे इस तरीके से। सीट कवर भी इसमें लगे हैं, ये भी एसेसरी का पार्ट है। अब इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में आपको क्या क्या दिया जा रहा है तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, 2 रैम में वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिल रहा, कैमरा कुछ नहीं मिल रहा, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं बस, ये भी शायद अब जाने वाली है, रिविन इसमें लगे हुए हैं। तो मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस 2 रैम की आजकल। और बाकी चारों पावर विंडो तो मिलती हैं, रियर में AC विंड मिल जाएंगे रियर पैसेंजर्स के लिए। बाकी पीछे जो है बच्चे एडल्ट आराम से जो है कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे यहाँ पर। बाकी सीटें काफ़ी चौड़ी हैं, बाकी थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा, लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि व्हील बेस 2740 mm का इसमें, तो अच्छा खासा व्हील बेस आपको मिल जाएगा। पीछे आपको जो है आपको 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं आप। जैसे कि 2 रैम है तो आपको इसमें पैनिक बटन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इमरजेंसी में आप जो है जो कभी ड्राइवर यूज़ कर सकता है और पैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और स्पीड लिमिट जो है इसमें वही 80 किलोमीटर की आपको इसमें मिलेगी। अब चलें अगर इसके फ्रंट सेक्शन की ओर तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिलेंगी। ड्राइवर साइड जो है ऑटो अप एंड डाउन एंटी पिंच के साथ में आती है, और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको आउटसाइड जो है मिरर आपको मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, वो जो है ZXI में मिलेगी। सीट कवर इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी चौड़ी लग रही सीटें। स्टेयरिंग कवर भी इसमें एड ऑन हो चुका है। चाबी जो मिलती है आपको इसमें इस तरह की मिलेगी, रिमोट लॉकिंग, दोनों चाबियाँ जो है रिमोट लॉकिंग है, तो आफ्टर मार्केट VXI में ये कुछ काम नहीं करवाना पड़ता, लॉक अनलॉक जो है आप चाबी से ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिलेगा यहाँ पर, और जो फॉग लैंप्स एड ऑन हुई है वहाँ से जो है यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। हेडलाइट की जो बीम है यहाँ से आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसे एडजस्ट करेंगे। बाकी जो है यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको स्टेयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में मिलता है, इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे इसे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर
5 स्पीड का जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, और साथ ही साथ अगर आप VXI में लेना चाहते हैं या फिर इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी, क्योंकि एज अ टैक्सी में यूज़ सबसे ज़्यादा जो है लोग करते हैं। और 2 DIN का ऑडियो सिस्टम आपको इसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में FM रेडियो वाला आपको मिलेगा। 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट USB ऑक्स का यहाँ पे दिया गया है, और ये कोल्ड कंपार्टमेंट वही जो VXI में चीज़ें मिलती हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। आर्म रेस्ट आपको इसमें नहीं मिलता। डे नाइट IRVM आपको सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ में, को ड्राइवर वाला वैनिटी मिरर के साथ में मिलेगा, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मिरर आपको जो है वैनिटी मिरर दिया गया है, लैंप यहाँ आपको दी गई हैं, और आपको इसमें जो है 4 स्पीकर मिल जाएंगे। ये रहता है इसका मीटर कंसोल जो कि आपने देख लिया, टैकोमीटर, और इसका स्पीड एनालॉग रहेगा, और इस बीच में MID, ये कलरफुल रहती है एज आपको डिजिटल टाइप, ट्रिप भी, ये सारे फंक्शन जो है आप यहां से कंट्रोल इसके कर पाएंगे। तो ये सेम टू सेम पहले कलरफुल नहीं आती थी, अब जो है कलरफुल हो चुकी है। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें, आपको डुअल एयरबैग्स ABS CVD आपको इसमें जो कॉमन सेफ्टी फीचर्स होते हैं ये इसमें आपको दिए ही जाते हैं। 4 एयरबैग्स वो आपको जो है इसके टॉप एंड ए वेरिएंट में ही मिलेंगे, तो ऐसा कुछ रहता है। अब इंजन सेक्शन की ओर चलते हैं फटाफट से। तो 2RAM में वही चीज़ें जो आपको VXI में आर्टिका में मिलनी थी वही चीज़ें जो है इसके 2RAM में देखने को मिलती हैं। बाकी इंजन की भी बात एक बार जो है कर ही लेते हैं यहाँ पर, और अभी ये जस्ट स्लोप पे खड़ी है तो गियर इसमें इंगेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर जो है इंजन बे की ओर चलें तो इंजन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहता है इसका पूरा इंजन बे जो कि आप देखें डुअल जेट इंजन हो चुका है। अब ये 1.5 लीटर का डुअल जेट इंजन, पर सिलेंडर दो इंजेक्टर्स, जो कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो डबल इंजेक्टर्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और अब ये जो पावर प्रोड्यूस होती है इसमें 103 BHP की पावर, 103 BHP की पावर, 137 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में अगर आप इसे पेट्रोल में चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल में ही है। अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 86 BHP की पावर, 122 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में मिलती है। तो CNG अगर आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा पावर टॉर्क कम मिलेगा, लेकिन आपको पेट्रोल में अच्छी खासी पावर और यहाँ पर टॉर्क मिल जाती है। बाकी इंसुलेशन प्रॉपर इसमें दी गई है, तो ये आपको 2RAM जो है ये सारे फीचर्स के साथ में मिलती है। जैसा कि आपने देख लिया इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, पीछे वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता, जो चीज़ें आपको VXI में मिल रही है वही चीज़ें इसमें मिलेंगी। बाकी एक्स शोरूम जो है पेट्रोल की रहती है 9,46,000 रुपये एक्स शोरूम रहती है, बाकी ऑन रोड जो है आप मारुति सुजुकी अरीना जो है या रामपुर रोड जो है हल्द्वानी पे है, ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।